प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर द्वादशा पाठा चित्रकूटम इस पाठ का अभ्यास समझाने जा रही हूँ। आप निकाल लीजिए। सबसे पहले मैं एक पदयन उत्तर समझाती हूँ, इसके बाद एक वाक्यन और फिर भाषा अनुशीलन समझाऊंगी। आपको मिलाते जाना है। इसके पहले मैंने आपको पाठ का हिंदी अनुवाद समझा दिया था, तो आप मिलाइए। एक पदयन उत्तरम लिखा है, देखिए एक शब्द में उत्तर देना है। चित्रकूटम कशिमन मंडले अस्ति। तो देखिए यहाँ पर कशिमन के स्थान पर हमको लिखना है सतना मंडले। क्या लिखना है? सतना मंडले। खा नंबर देखिए, चित्रकूटे सर्वत्र किम राजते। तो किम के स्थान पर आएगा हरितमा। हरितिमा क्या आएगा? हरितिमा इसके स्थान पर, तो उत्तर में हरितिमा लिखेंगे। राम घट्टा कस्या तटे वर्तते। राम घाट किस तट पर स्थित है? तो लिखेंगे मंदाकिन्या। क्या लिखेंगे? मंदाकिन्या। घा नंबर देखिए, चित्रकूटे जल प्रपातस्य किम नाम। चित्रकूट में जलप्रपात का क्या नाम है? हनुमान धारा। क्या आएगा यहाँ पर? हनुमान धारा। अब पांचवा देखिए, जयंता सीता चरणे किम कृतवान। जयंत ने सीता के चरणों में क्या किया था? तो चंचु प्रहारम। किम के स्थान पर क्या लिखेंगे? चंचु प्रहारम, चोंच से प्रहार किया था। प्रश्न दूसरा देखिए, एक वाक्य उत्तरम लिखा, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। का नंबर देखिए अब इसका, चित्रकूटम की दृशम स्थलम अस्ति। तो इसका उत्तर आएगा चित्रकूटम प्राकृतिक सौंदर्यम संपन्नम स्थलम अस्ति। आया समझ में आपको? अब खा नंबर देखिए, निर्झरा की दृशा वर्तन्ते। अब निर्झर यानी झरने। अब देखिए, निर्झरा झरझर ध्वनि युक्ता वर्तन्ते। आया समझ में ये? अगला नंबर देखिए, हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम। इसका आएगा लंका दहनांतरम रामाज्ञा हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, अतः एतत् स्थलम हनुमान धारा इति नामना प्रसिद्धम। लंका दहन के बाद राम की आज्ञा से हनुमान जी ने इस स्थान पर शीतलता प्राप्त की थी, यानी शांति प्राप्त की थी, जिस कारण से इस स्थान का नाम हनुमान धारा पड़ा और ये प्रसिद्ध हो गया। घा नंबर देखिए, अत्र कहा विश्वविद्यालय अस्ति। अत्र महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। आया समझ में आपको? प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान देखिए, इनमें क्या शब्द दिए नहीं है, हमको ढूंढ के चैप्टर में से करना है। चित्रकूटम बिंद पर्वत, यहाँ आएगा बिंद पर्वत मध्य स्थितम। चित्रकूट बिंद पर्वत के बीच में स्थित है। बिंद पर्वत माला, माला यहाँ यानी श्रेणी के बीच में स्थित है। खा नंबर, रामचंद्रा खालिस्तान यावत निवासम कृतवान। रामचंद्र ने, तो इसमें आएगा वनवास काले एकादश वर्षाणी। क्या आएगा? एकादश वर्षाणी। यावत निवासम कृतवान, 11 वर्ष यहाँ निवास किया था। चित्रकूटे द्वे खालिस्तान स्थितः। तो यहाँ लिखेंगे नैसर्ग के गुहे। क्या लिखेंगे? नैसर्ग के गुहे। अब यहाँ आएगा घामे सघन वन मध्य खालिस्तान विद्यते। तो यहाँ वन के बीच में कौन सा आश्रम विद्यमान है, स्थित है? तो यहाँ लिखेंगे सघन वन मध्य अनसुईया आश्रम विद्यते। चित्रकूटे खालिस्तान नदी प्रसिद्धः। चित्रकूट मंदाकिनी नदी प्रसिद्ध है। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी प्रसिद्ध है। तो ये रिक्त स्थान अपने हो गए। उचित पदेन योजयत, उचित जोड़ी बनाना है उचित पद से, तो आ की बा खंड से बनाना है। तो देखिए, चित्रकूटम
तो इसमें आएगा सतना मंडले, इसकी बनेगी इसके साथ। जलप्रपातम, तो जलप्रपातम में आएगा हनुमान धारा। नाना जी देशमुखा ग्रामो विश्वविद्यालय, अब इसमें आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम में आएगा महर्षि अत्रिहि। आ गया समझ में? अब प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण देखिए का नंबर, अब हमको सतना जिसके नीचे क्या है अंडरलाइन खींची है तो उसके नीचे का ये देखना है। तो देखिए चित्रकूटम सतना, तो सतना के स्थान पर आएगा, यहाँ आएगा कशिमन, तो आएगा कशिमन मंडले। रामघट्टा मंदाकिन्या तटे, तो इसमें आएगा रामघट्टा मंदाकिन्या तटे के स्थान पर आएगा कश्याह तटे। क्या आएगा? कश्याह। आखिरी का देख लिया करो, यह आया है तो यह ये है तो इससे मैच हो गया, यानी ये आएगा। चित्रकूटे सगनानी बनानी संती, तो तीसरे में आएगा सगनानी बनानी, तो यहाँ आ जाएगा की दृशानी। क्या आ जाएगा? की दृशानी। घा नंबर देखिए, इसमें है राम घट्टात, तो यहाँ आ जाएगा कस्मात। क्या आ जाएगा? कस्मात। चित्रकूटे द्वे नौसर्ग के गुहे स्थितहा, तो द्वे के स्थान पर क्या जाएगा? के। आया समझ में? तो ये इस प्रकार से इनको देखते हैं। अब थोड़ा सा और रहा है वो भी कर ले। हाँ देखिए, शब्द धातु प्रत्यय च लिखत, शब्द धातु और प्रत्यय लिखिए। अब यहाँ पद दिए हैं, अब हमको शब्द और धातु और प्रत्यय ये हमें बताना है। तो गंतुम, गंतुम में धातु क्या आएगी? गम, और यहाँ तुमुन प्रत्यय आएगा। अब कृतवान में क्रय धातु आएगी और कतवतु प्रत्यय आएगा। आया समझ में आपको? कृतवान में क्रय धातु वान, कतवतु प्रत्यय आएगा। आया समझ में? आने तुम में आ नए, ये धातु है और तुमुन प्रत्यय है। चित्रकूटता में चित्रकूट, ये धातु है यानी शब्द है, और कत प्रत्यय आधा का तछोटता और विसर्ग। अब दर्शनीया में दर्श, ये धातु शब्द है ये, और इसमें आनीय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आनी। तो गम शब्द है तुमुन प्रत्यय, क्रय शब्द है कतवतु प्रत्यय, आनय शब्द है तुमुन प्रत्यय, चित्रकूट शब्द है कत प्रत्यय, दर्श शब्द है आनी प्रत्यय। अब प्रश्न सातवा देखिए, विभक्ति लिंग वचनम च लिखत, अब दिया है मंडले, तो यहाँ विभक्ति इसकी होगी सप्तमी और पुरलिंग है और एक वचन है। यात्रिकाई तृतीया विभक्ति है, पुरलिंग है और बहुवचन है। माला यहा षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अब कामदगिरे षष्ठी विभक्ति है, पुरलिंग है और एक वचन है। तपस्याम सप्तमी विभक्ति, स्त्रीलिंग और एक वचन है। तो बेटा मैंने आज आपको ये पूरा पाठ समझा दिया है। वैसे मैं आपको व्याकरण अलग से समझाऊंगी, मैंने आपसे कल भी बोला था ये पुस्तक के पीछे जो व्याकरण दी है वही मैं समझाते जा रही हूँ। अब ये मैं आपको अलग से समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।